एम सबा फ्रॉम फॉरेन मेडिकल एडमिशंस। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जॉर्जिया की यूनिवर्सिटी जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के बारे में। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी 2005 में बनी और इसकी जो मेडिकल फैकल्टी है वो 2017 में बनी। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो है वो तिबलिसी में लोकेटेड है और तिबलिसी जो है वो जॉर्जिया की कैपिटल सिटी है। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी का जो जॉर्जिया में रैंक है वो है 30। अब बात करते हैं जो प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं MBBS, BDS और MD प्रोग्राम, उनकी ड्यूरेशन क्या है। MBBS और MD प्रोग्राम की ड्यूरेशन है 6 ईयर और BDS की ड्यूरेशन है 5 ईयर और 1 ईयर क्लिनिकल रोटेशन होती है। जो MBBS, BDS और MD प्रोग्राम पढ़ाए जाते हैं उनके जो कोर्सेज हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाए जाते हैं, तो आपको किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं टीचिंग स्टाफ की, तो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी का जो टीचिंग स्टाफ है वो काफी स्किल्ड है, काफी क्वालिफाइड स्टाफ। जॉर्जिया से आप किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रांसफर करवा सकते हैं। स्टूडेंट ट्रांसफर प्रोग्राम के थ्रू आप कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में अपनी माइग्रेशन और ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब बात करते हैं जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की फैकल्टीज से रिलेटेड। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है जनरल मेडिसिन की फैकल्टी जो MBBS और MD में एडमिशन देती है। जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी है डेंटिस्ट्री जो BDS में एडमिशन देती है। फार्मेसी की फैकल्टी है, पीडियाट्रिक्स की फैकल्टी है और नर्सिंग केयर की फैकल्टी है। अब बात करते हैं जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की एक्रीडिटेशन की, तो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी की जो एक्रीडिटेशन है वो है PMDC, MCI, NMC से है और इसकी जो रिकॉग्निशन है वो है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन। अब डिस्कस कर लेते हैं जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स को, तो जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी के जो हॉस्टल्स हैं वो गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल में आपको वाईफाई कनेक्शन दिया जाता है, आपको लॉन्ड्री सिस्टम की फैसिलिटी दी जाती है, हॉट एंड कोल्ड वाटर की फैसिलिटी दी जाती है और जो मेस है वहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को हलाल फूड का ऑप्शन भी अवेलेबल है। अब डिस्कस करते हैं कि जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, उसकी क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि स्टूडेंट की जो एज है वो मिनिमम 17 ईयर होनी चाहिए, आपकी FSC प्री मेडिकल क्लियर होनी चाहिए और उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो 60% से अबव होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, बेसिकली आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, आपके ID कार्ड की स्कैन कॉपी, आपके मैट्रिक FSC की अटेस्टेड मार्कशीट रिक्वायर्ड होगी। इन डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन के बाद आपको जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से विद इन 24 आवर इन्विटेशन लेटर रिसीव हो जाएगा और इन्विटेशन लेटर की बेस पे आपका जो है वो फर्दर प्रोसीजर किया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया जॉर्जियन अमेरिकन यूनिवर्सिटी को। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।